संविधान की रक्षा या नफरत का एजेंडा। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे कार्यक्रम ये देश है हमारा। इन्होंने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कुरान पढ़ रहे हैं। भारत में भारत का संविधान चलेगा, जहां शरिया कानून नहीं चलेगा। दुकान पे लिखो दुकान किसकी है, गुप्ता जी की दुकान, दलित की दुकान, मुसलमान की दुकान, शिया की दुकान, सुन्नी की दुकान। मॉब लिंचिंग करने के लिए इसका दुरुपयोग होगा, एक लाइसेंस हो जाएगा इनडायरेक्टली। कहीं मंदिर की कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर हम क्या बना बैठे। नहीं आप तो बीच में बोल नहीं रहे थे। मेरी अजान से ये देश सुरक्षित है, गीता के ज्ञान से। आप अपने नेताओं को झुठला रहे। देखिए डेमोग्राफी चेंज होगी, ये एक स्वाभाविक चीज है। क्यों जो यहाँ मूल निवासी है वो माइनॉरिटी में हो जाए और बाहर से आए हुए इमिग्रेंट मेजोरिटी में हो जाए, ये होता रहेगा। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में मुद्दा बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। आबादी में यानी पॉपुलेशन में असंतुलन का मुद्दा उठाना, मुस्लिम समुदाय में बाल विवाह पर रोक लगाना, क्या ये नफरत वाला पॉलिटिकल एजेंडा है? आज इस मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बयान में कहा कि असम की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की आबादी अब 40% तक पहुंच गई है, जो 1951 यानी 1951 में मात्र 12% थी। इसलिए डेमोग्राफी में आए ये बदलाव मेरे लिए जीवन और मृत्यु का मामला बन गया है। इस बयान पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि असम बिस्व शर्मा यानी बीजेपी सरकार ने वहां के मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम को ही खत्म कर दिया। सरकार का कहना है कि इससे मुस्लिम समाज में बाल विवाह पर एक बड़ी रोक लगेगी, लेकिन इसे भी कुछ नेता नफरत फैलाने वाला सरकारी एजेंडा बता रहे हैं। और इन सबके बीच कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट वाले फैसले को लेकर भी सियासी बवाल लगातार जारी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी वीकेंड की चर्चा, संविधान की रक्षा या नफरत का एजेंडा। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे धारदार कार्यक्रम ये देश है हमारा में। असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने के एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने इस फैसले को बाल विवाह रोकने में अहम कदम बताया है। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में साइल मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा। किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए, वो व्यक्ति मुझे मानसिक रोगी लगता है। हेमंत कुमार बिस्व शर्मा वो मुसलमानों से, मुसलमानों के मसाइल से वो दुश्मनी रखते हैं। इससे पहले हेमंत बिस्व शर्मा के एक और बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12%, हम जिला की जिला खो चुका है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये लोग, और संविधान को बदलने की जो इनकी नियत और नीति है उस पर ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। उधर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी एक बड़ा बयान दे डाला, हालांकि कुछ घंटों बाद ही उन्हें अपने बयान पर सफाई भी देनी पड़ गई। जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास, बंद करो। इट्स माय पर्सनल थिंकिंग एंड ओपिनियन, इट्स नॉट द लाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी। ये भाजपा लीडर्स का अंदर में जो घृणा है नॉन हिंदुओं की तरफ, वही वो बता दिया है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर होटल, दुकानों और ठेलों पर नाम लिखने वाला निर्देश भी विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही निर्देश जारी कर दिया है। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जोर्डन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे।
भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान आने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते। सवाल है कि जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या इन तमाम बातों और फैसलों के पीछे 2024 के नतीजे हैं, या फिर जैसा बीजेपी दावा कर रही है वजह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है? तो आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं आपको मैं उनसे परिचय करा देता हूं। बड़े मुद्दे हैं, क्या उत्तर प्रदेश और असम की सरकारों के फैसले नफरत फैलाने वाले हैं? दूसरा मुद्दा, असम में बाल विवाह रोकना क्या मुसलमानों के खिलाफ है? तीसरा बड़ा विषय जो कि महत्वपूर्ण है, जनसंख्या असंतुलन भविष्य के लिए क्या एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है, यानी और उसी से जुड़ता हुआ चौथा विषय, डेमोग्राफी में बदलाव राष्ट्रीय समस्या है या पॉलिटिकल यानी राजनीतिक? ये चार बड़े विषय हैं और जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए मेरे युवा मित्रों का। और एक एक करके परिचय करा देते हैं, मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, जाने माने हैं, पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टी के नेता, उनका अभिनंदन है। शादाब चौहान है पीस पार्टी के, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्यों लगता है आपको राजकुमार भाटी की यह नफरत फैलाने वाला एजेंडा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा नफरत रहता है, ये तो सब जानते हैं जी, जो भी समझदार लोग हैं। अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं, इनका जनाधार कम हुआ है, इनकी 63 सीटें कम हो गई भारत में लोकसभा में, मोदी जी की जीत का अंतर एक तिहाई रह गया, 5.5 लाख से 1.5 लाख पर आ गए, तो इससे ये बड़े असमंजस में हैं कि क्या कट्टरता को बढ़ावा दें या कट्टरता को छोड़ें, नफरत की राजनीति को छोड़ें या नफरत की राजनीति को और मजबूत करें, हिंदू मुसलमान करना बंद करें या हिंदू मुसलमान और ज़्यादा करें, ये असमंजस में है, अभी निर्णय नहीं ले पा रहे। इनके कुछ नेता बयान देते हैं कि नहीं हम सब भाई भाई हैं, मिलकर रहना चाहिए, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कहते हैं नहीं अब सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब ये जो हिमंत बिश्व शर्मा का जो कहना है, देखिए बाल विवाह गलत है। हिमंत बिश्व शर्मा ने कुछ डेटास दिए हैं, कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं। नहीं, फैक्ट कहां से दिए हैं? 2011 के बाद तो जनगणना ही नहीं हुई थी इसमें। 1951 मोदी जी ने इस देश में पहली बार जब जनगणना की शुरुआत हुई है जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई है, वरना तो चाहे कभी महामारी रही हो चाहे युद्ध रहा हो, 71 में हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे, इसके बावजूद 71 में जनगणना हुई थी, जनगणना कभी नहीं रोकी गई है। चलिए पहली बार मोदी जी की सरकार ने नफरत वाला एजेंडा 1, 2, 3 कौन से नजर आ रहे हैं? जब हमारे पास जनगणना के आंकड़े ही नहीं है, हमें पता नहीं है किसकी आबादी घटी किसकी बढ़ी, तो हिमंत बिश्व शर्मा के मन की कल्पना है, केवल इन्हें नफरत फैलानी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका नफरत का एजेंडा है। दूसरी बात, अगर 2011 तक के जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए, आप वेबसाइट पर कोई भी ये बच्चे देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, हम मानते हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव हुआ ही नहीं है हिंदुस्तान में किसी भी। मैं जो कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, उसी करते हैं डिसएग्री करते हैं, उसी संदर्भ बोल रहा हूं जी। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर उससे ज्यादा कम हुई है, मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घटी है, तो ये क्यों उड़ाते हैं? तो फिर आसाम के कुछ बॉर्डर एरियाज में, आसाम में बढ़ गई, बंगाल के बॉर्डर एरियाज में जनसंख्या कैसे बढ़ गई? देखिए ये क्या, मुसलमान 4 शादी करते हैं, 24 बच्चे पैदा करते हैं, आप सर्वे कराइए कितने मुसलमानों के घर में 4 बीबी हैं, 1000 में से 1 आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसके घर में 1 से ज्यादा पत्नी होंगी, इस तरह फर्जी बातें उड़ाते हैं। ठीक है, आसाम की जो समस्या है पेट की समस्या है, ना कि मुसलमानों की वजह से वहां पे आबादी बढ़ी है, सरकार की विफलता की वजह से। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वो घुसपैठिए कौन है? उसमें सरकार की विफलता है। किसकी सरकार? सरकार को, सरकार किसकी भी बताओ, मतलब आप कह रहे हैं 10 साल में सारी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये 10 साल के अंदर सारी घुसपैठ हुई है, एक सेकंड, आपने आपने एक बात को रखा, आप सुन लीजिए, आपने बोला, आप कह रहे हैं कि ये 10 साल में सारी घुसपैठ हुई है, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। दिल्ली के पुष्टा पे घुसपैठ किस समय की है?
बताइए जो आप बताऊंगा मैं बताऊंगा बता दे जी जी अब आपने सीमाओं पर नहीं आखिरी वाक्य बोलना जी 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 सीमाओं पर सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है बिल्कुल अगर सीमा पार से लोग आ रहे हैं ठीक है तो उसकी जिम्मेदारी लेकिन लेकिन अगर कोई ना तो मैं राइफल लेकर खड़ा हो सकता हूं 75-76 से आ रहे हैं तो क्या करेंगे खड़े हो सकते हैं मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है आप नफरत फैला रहे हैं और ये प्यार बढ़ा रहे हैं और राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं हाँ हाँ देखिए यहाँ मेरे भाई बहन बंधु सब बैठे हैं मैं शुरुआत करता हूँ नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन फैला रहा है और संविधान कौन जो है पालन कर रहा है तीन बड़े मुद्दे पिछले एक हफ्ता में आए हैं सप्ताह में जो बड़े हैं और मैं बड़े मुद्दों पे बता रहा हूँ पहला आपने जनसंख्या नियंत्रण पे कहा जो लोग ये कहते हैं कि भैया देखो बच्चे पैदा करते रहो ये तो अल्लाह की देन है इनका पालन पोषण तो सरकार करेगी ये कौन कहता है मैं बता रहा हूं शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद स्वर्गीय इज्जत से क्या अखिलेश यादव में दम था एक बार कहें भैया किस तरह का बयान दे रहे हो बच्चे पैदा करेंगे उनके उज्जवल भविष्य की चिंता कौन करेगा मोदी जी करेंगे योगी करेंगे लेकिन आप क्या करोगे बच्चे पैदा करोगे तो जनता इसे नकार देती है पहली बात दूसरी बात जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा कान खोल के संविधान हाथ में पकड़ने से संविधान के अंदर क्या लिखा है ये नहीं पता चलता है और चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो अखिलेश यादव हो इन्होंने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं ये तो कुरान पढ़ रहे हैं क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करनी है मुझे आप बताइए अमित जी मेरी तरफ देखिए आपको याद है वो दौर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 125 जो कि कहती है महिला को रोजगार भत्ता मिलेगा वो मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा पलट दिया वो फैसला कानून लाके राजीव गांधी ने और उसके बाद सबसे बात है सर्वोच्च न्यायालय का एक और फैसला आया अभी 10 दिन पहले उसमें कहा मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला नहीं दही जम गई अखिलेश यादव कहां चले गए नहीं भैया थर थर कांप रहे मैं कैसे बोलूंगा मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा मुस्लिम महिलाओं का असली भाई कोई है तो वो हिंदू नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री है लेकिन जिन्होंने ट्रिपल तलाक को अपराध मुस्लिम महिलाओं का कोई भाईजान है तो वो मोदी भाईजान है आपने बोला लेकिन ये पीछे तस्वीर चल रही है शुभेंदु अधिकारी की ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास की दुकान करो बंद और फिर जब इनको पकड़ा गया तो उन्होंने बोला देखिए मैंने तो बोल दिया था ये मेरा निजी विचार है नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास और हम लोग इसी नारे पे चलेंगे शुभेंदु अधिकारी का बयान आया और उन्होंने कहा कि मोदी जी की ये सोच है यही हमारी सोच है गलत हो तो जो कहे हार जाऊं अब मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा तीसरा मुद्दा जो उठा रहा था बाल विवाह का आपको मालूम है ये जो संविधान उठा के चलते हैं ये राहुल गांधी पढ़ नहीं पाए संविधान अखिलेश यादव को संविधान से कोई लेना देना नहीं है हमारा संविधान कहता है कि लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा पॉक्सो का कानून है 18 साल से छोटी बच्ची के साथ चाहे कंसेंट भी हो अगर कोई रिश्ता बनाएगा जिस्मानी तो उसको अपराध होता है आप मुझे बताइए 18 साल से कम उम्र की जो हमारी बहनें हैं वो गर्भवती हो जाती हैं और जब हम कानून लाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनको पढ़ाई में होनी चाहिए तो ये लोग आ जाते हैं अल्लाह ने कहा है बच्चे पैदा करो अल्लाह ने ये नहीं कहा और अंत करूंगा एक ही बात कह के भारत है भारत में भारत का संविधान चलेगा यहां शरिया कानून नहीं चलेगा और जो शरिया चलाना चाहता है चोरी पे हाथ कटवा के दिखाए मैं उसके सामने झुका दूंगा ओके करके दिखाओ बात करूंगा विवेक ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है मतलब अगर कोई सही भी करे हम सब जान रहे हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर बंगाल के अंदर तो लेफ्ट के नेता कह चुके हैं मोहम्मद सलीम कह चुके हैं डेमोग्राफिक बदलाव के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आपके नेता कह चुके हैं अब बीजेपी कह रही है कि डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है और इस डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से हमने दुनिया के कई शहरों में वहां पर हम यूरोप के अंदर हम बदलाव देख रहे हैं क्या आप चाहते हैं उस तरह का बदलाव भारत में हो नहीं देखिए बदलाव का क्या मतलब है क्या हमें यह कहना चाहिए अगर एक पर्टिकुलर धर्म की आबादी बढ़ेगी तो ठीक है दूसरे धर्म की आबादी इसी देश में बढ़ेगी तो गलत है क्या हम ये कहना चाहते हैं नहीं हमारा संविधान कहता है कि सारे धर्म एक बराबर हैं सारी जातियां एक बराबर हैं
पहली चीज हेमंता बिस्व शर्मा कब कह रहे हैं आप भली भांति समझ गए हैं, या तो आप अनजान बन रहे हैं या अनजान बना रहना चाहते हैं। हेमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं 1951 में मुस्लिमों की आबादी 12% थी, आज 40% है। पॉइंट ये है सर, जवाब दीजिए। पहली चीज, भाटी साहब ने भी आपको पॉइंट आउट करा कि जब सेंसस हुआ ही नहीं है, जब काउंटिंग हुई ही नहीं है, डेमोग्राफिक चेंज कहां से, कौन से सेंसस के आधार पे? हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला, मैं बता देता हूं, फ्रॉड गिरी। ये मेरे मित्र, मेरे भाई गौरव भाई यहां बैठे थे, उत्तेजना के साथ इन्होंने मुसलमानों को जोकर डिक्लेयर कर दिया। ये है साहब मुसलमान है, इनकी भी चार बीबियां होंगी, पैदा करते चले जाएंगे। नहीं नहीं जाइए, वो नहीं सुनिए, मुसलमान 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 जो है इनके हिसाब से, इनके हिसाब से मुसलमान इंजीनियर नहीं है, मुसलमान डॉक्टर नहीं है, मुसलमान लॉयर नहीं है, मुसलमान आईएएस नहीं है, जज नहीं है, आईपीएस नहीं है, सबके सब जाहिल है मुसलमान इस देश में। सब चार शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कहते हैं साहब अल्लाह की देन है, इनकी वजह से हमें खतरा है, हिंदू खतरे में आ गया, हिंदुइज्म खतरे में आ गया, ये नैरेटिव ये दे रहे थे अभी तक बैठे हुए। लेकिन मेरे मित्र, ऐसा है नहीं, चीजें बदली हैं, हर समाज में पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी बढ़ी हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी बढ़ी हैं, और ये देश, आप ये क्या करना चाहते हैं, हर दुकान पे लिखो किसकी है, गुप्ता जी की दुकान, पंडित जी की दुकान, यादव जी की दुकान, दलित की दुकान, मुसलमान की दुकान, शिया की दुकान, सुन्नी की दुकान, आप करना क्या चाहते हैं? मैं बताता हूं क्या करना चाहते हैं। आज डेकेड्स पहले सेंचुरीज पहले दक्षिण भारत में डंडा लेकर के घुंघरू बांध करके दलित चलता था, ठोकता और आवाज देता था, मैं आ रहा हूं देखो, और अलग हट जाओ वरना मेरी छाया तुम पे पड़ेगी और आप सब अपवित्र हो जाओगे। पर दलित तो ये वापस बांटने की राजनीति है। देखिए अब आप मिस व्हाई डू यू वांट द पीपल टू नो व्हिच कास्ट की दुकान है, आप क्यों चाहते हैं? लेकिन अगर ढाबा लिख के बैठा हुआ है, अगर कोई संदर्भ ढाबा लिख के बैठा हुआ है तो वो ढाबा कौन सा हुआ है? ओके, अब आपको जानना ही, एक मिनट अमीश जी, सबसे पहले ये बताइए, संविधान की अगर आप रक्षक हैं, एक मुस्लिम महिला को भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं, प्रश्न नंबर वन। ठीक है, संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 44 क्या लागू होना चाहिए, दोनों से पूछिए, बस दो सवाल अभी है। ओके, शहजाद चौहान, देन फिरोज बख्त अहमद। शहजाद चौहान, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर या उस क्षेत्र के अंदर जो फल वालों तो पूरे प्रदेश में ही हो गया, हाँ पूरे फल वालों के लिए, मैं स्पेशली देखिए ढाबे पे सबके मालिकों का और जीएसटी नंबर ये सब चीज मेंशन करना, लाइसेंस वो ऑलरेडी मैंडेटरी है, 2011 में मनमोहन सरकार लेकर आई थी, वो अच्छा कदम, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फल वालों के साथ अगर ये होगा, उसमें इस एक चीज का डर है, नाम में किसी को कोई आपत्ति नहीं, डर इस बात का है कि एक रेडिकलाइज्ड गुंडों का झुंड है जो मात्र 0.1% है, मैं उनको बहुत ज्यादा ताकत नहीं, वो इसका फायदा उठा करके कांवड़ियों के भेष में, क्योंकि कांवड़िए मैंने उन जो उत्पाद मचाता है मैं उसको शिव भक्त नहीं मानता, उत्पादी नहीं होते वो, लेकिन उस भेष में कुछ उत्पादी जाकर के उनके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जो लोग ओवैसी पे गोली भी चलाए हैं, जो लोग मॉब लिंचिंग भी किए हैं, जो उन उत्पादी लोगों की वजह से इसका दुरुपयोग होगा और एक लाइसेंस हो जाएगा इनडायरेक्टली कि आप मॉब लिंचिंग करने के लिए ये होगा कि ये इस मजहब का है, जबकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के अनुसार कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है कांवड़ यात्रा के दौरान कि आप गैर मजहबी व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। बहुत से मुसलमान, मोदी क्षेत्र से आता हूं, सेवा करते हैं, अब क्या बताइए बीजेपी के जो अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली, क्या वो कांवड़ सेवा का कैंप डाई रखने वालों के साथ नहीं लगा सकते? क्या ये कहना चाह रही है बीजेपी? सेकंड पॉइंट जो हिमंत बिस्वा ने बोला है, उनका मामला ये है कि वो रोज लॉलीपॉप चाटते हैं नफरत का, उसके बाद वो आकर बेबुनियाद बातें करते हैं, वो सेंसस की बात कर रहे हैं, 1951 और 2011 का डेटा जो वो मेंशन कर दें कि कहां पर कितना चेंज हुआ है और जो चेंज हुआ उसके पीछे रीजन क्या है। लास्ट पॉइंट बार बार आती है कि अल्लाह की देन है मुसलमान, नहीं आपको नहीं बोला, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, कोट किया जाता है। डेटा यह है कि मुसलमानों की आबादी जो है, हमारे जो नौजवान साथी है वो जान ले कि भ्रमित किया जाता है कि वो जो दर है वो रिड्यूस हुई है, बढ़ी नहीं है। दूसरी बात, चार की बात कर रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि किसी के दो ढूंढना मुश्किल हो गया, 1000 में दो नहीं मिलेंगे, यहां तो एक नहीं है, आप चार की बात कर रहे हैं। चलिए आपकी तो आपका दुख अलग है, आपका दुख अलग है, उसका निदान कैमरे के थ्रू काफी लोग कर देंगे, मैं निवेदन करूंगा इनका दुख भी दूर करा जाए। 10 सेकंड दीजिए मुझे, जी जी अब ओके, अब प्लीज प्लीज 10 सेकंड और देन फिरोज बख्त जी। गौरव भाई ने बार बार एक बात कही कि वहां पर यह हो जाएगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं
कि बीजेपी यह तय कर ले कि वो सबके साथ सबके विकास के साथ है या शुभेंदु अधिकारी जो इनके बड़े नेता हैं उनके बयानों को दरकिनार करने के चाहती है। मुझे लगता है दरकिनार तो कर ही दिया है। एक से फिरोज बख्त क्या आपको लगता है कि बीजेपी नफरत का एजेंडा चला रही है? आप खुद मुस्लिम हैं, पढ़े लिखे हैं और फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। मेरा बड़ा सीधा प्रश्न है, क्या बीजेपी एक नफरत का एजेंडा चला रही है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? सबसे पहले यहाँ बच्चे आए हुए हैं, ये आगे आने वाले भारत को चलाएंगे। इन बच्चों को एक छोटी सी दो लाइनें डिवोट करके फिर मैं आप पे आता हूँ। अमीर साहब बड़ी मेहनत से अपना वक्त निकाल के बच्चे आते हैं। बच्चों आपके लिए, भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा श्री राम की प्रभु का प्यार है। ठीक है, अब मैं आपके आपका मैं जवाब देता हूँ। देखिए ऐसा है, जहाँ तक ये कहा जाता है कि क्या भाजपा नफरत की राजनीति चला रही है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। नफरत का एजेंडा तो कोई लेके नहीं चल सकता। एक मॉडल चल रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ये शुरू से ऐसे चल रहा है, आगे तक ऐसा चलता रहेगा। पहली बात, जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, ठीक है, ऊंच नीच हो जाती है, उल्टी सीधे आवाज़ें आ जाती हैं, बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं, उन आवाज़ों को कोई ध्यान नहीं देता। आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं? मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो भाजपा है नफरत की राजनीति नहीं कर रही है। अगर शुभेंदु जैसी कोई आवाज़ आ जाए या इवन आर वेरी रिस्पेक्टेड एस्टीम प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर लें तो परिपक्व जनता है, उस बात को कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं आखिर में एक बात ये कह के इजाज़त लूँगा, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात को जानते हैं कि उनका सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है और सबसे अच्छा मुल्क जो है वो हिंदुस्तान है। उसी तरह से हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई भी ये जानते हैं कि जो मुसलमान है हिंदुस्तान का वो राष्ट्रवादी है, वो संस्कारवादी है, वो देशभक्त है और वो देश को चाहने वाला तो है। फिर ये असम के सीएम का जो फैसला है इसका विरोध क्यों है? देखिए ऐसा है, असम फिर जो यूपी का फैसला है इसका विरोध क्यों है? डेमोग्राफिक चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते आप? मानते हैं कि मानते हैं? मेरे को स्पष्ट जवाब दीजिए, आप मानते हैं कि असम और बंगाल में और इस देश के कई बड़े भागों में डेमोग्राफिक बदलाव आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है, कुदरती है, आ चुका है, बिल्कुल आया है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि शुरू में जो आबादी थी 12% थी 1950 में या 47 में और आज 40 है, उनकी बात ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनकी बात ठीक है। ये जो एक मिनट, उनकी बात ठीक है या गलत है? मैं भूल जाऊंगा, भटक जाऊंगा, भूलिएगा बात आप। उनकी बात ठीक है या गलत है? उनकी बात ठीक है जी। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला वरना आपको बोलने नहीं दूंगा। देखिए पूरी बात करने दीजिए, एक मिनट मैं बोलने नहीं दूंगा, मेरा गला खराब है, मेरे पास लंग पावर नहीं है। पॉपुलेशन बॉम्ब इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर बॉम्ब, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये बड़े गलत। और एक बात की मैं, अब आपने बोला राजकुमार भाटी का जवाब जरूरी है। राजकुमार भाटी, कहीं मंदिर की कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर हम क्या बना बैठे, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मुझको नहीं, आप तो बीच में बोल नहीं रहे थे। है मेरी अजान से ये देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से, बताइए मैंने गलत कहा है? ओके, अब जवाब 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 जवाब। मंदिर में दाना चुककर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह की कहानी सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसकान सुनाई देता है। और औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के अंदर इंसान दिखाई देता है। ये जो आज कांवड़ मार्ग पर हो रहा है ये उसकी परिणति है। अभी इधर से कहा गया, आपने भी हमें मिलाई कि बीजेपी नफरत की राजनीति नहीं करती। ये जो आज कांवड़ मार्ग पर हो रहा है, ये जो दो साल पहले ढाई साल पहले दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने खड़े होकर मीडिया के सामने भाषण दिया था और ये कहा था हिंदुओं मुसलमानों की दुकानों को बहिष्कार करो, उनसे कोई सामान मत खरीदो और ये जहां दिखाई दें इन्हें पीटो, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने उनके कान मेंट दिए होते उसी समय और कह दिया होता इस खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इसे जेल में डालो, ये भारत में नफरत फैला रहा है। तो आज ये नौबत ना आती जो आज आई है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद सारे नेताओं ने सबने मिलकर पर नाम छुपाकर क्या होगा? हाँ, नाम छुपाकर कागज छुपाकर क्या हासिल हो जाएगा? वही मैं बता रहा हूं जी, आज नाम नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। बड़ा आंदोलन था
वो ये था कि जातीय भेदभाव दूर हो, छुआछूत दूर हो और हिंदू मुस्लिम के अंदर प्रेम मोहब्बत बढ़े, हिंदू मुसलमान की दूरियां दूर हों। और समाजवादियों ने, जिसमें डॉक्टर लोहिया का नाम फेमस है, उन्होंने आंदोलन चलाया था कि नाम भी ऐसे होने चाहिए कि नाम से पता ही ना चले कि हिंदू है मुसलमान है, और पहचान भी होनी चाहिए, कोई कोई ये पहचान लेकर ना चले कि मैं कौन से धर्म का हूं। लेकिन अब धीरे धीरे वो नेता तो चले गए, अब ऐसे नेता कुर्सियों पर बैठे हैं जो उस पहचान को वापस कायम करना चाहते हैं। तख्ती लेकर चलो, मैं सलीम हूं, मैं इरफान हूं, मैं रफीक हूं, मैं विष्णु दत्त हूं, मैं रघुवीर हूं, तख्ती लेकर चलो। अगर यही आप बताइए, एक आपने काफी अच्छी बात बोली और काफी इंपॉर्टेंट बात भी बोली। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई ये बोले कि मैं संगम मतलब मेरा नाम कुछ और है और मतलब अपना नाम कुछ और बोले और पीछे कुछ और हो, यानी आइडेंटिटी छुपाकर चले, क्या वो जायज है? नहीं, आपको जरूरत क्या पड़ी है ये पहचान करने की कि हिंदू है मुसलमान है? आप क्यों इतने आपके अंदर नफरत है कि आप उसकी पहचान किए बिना इस देश में, और बताऊं बंबई में गणपति बाप्पा मौर्या की मूर्तियां बनती हैं, उन्हें बहुत सारे मुस्लिम कारीगर हैं जो उन्हें बनाते हैं, जो मैंने अभी कहा मथुरा में, ये केवल कविता नहीं है, राधा की चुनरी को सलमा सीती थी, अखबार में खबर आई थी। तो ये जो मुसलमान हिंदू मिलकर पूजा करते, किसी मुसलमान के छूने से क्या हम अपवित्र हो जाएंगे? उसके हाथ का खाना खाने से क्या? बिल्कुल, जैसे मिठाई को अगर मिठाई को भगवान पे भोग लग जाए तो प्रसाद समझ के सबको खा लेना चाहिए। ईद की सिवैया मुसलमान क्या हिंदू दुकान ये देश में खाई क्यों पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल जी, अखिलेश जी, और लगातार ये बात कह रहे हैं। पहली बात इन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि पहचान नहीं दिखानी हिंदू मुस्लिम की। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरे अखिलेश यादव तो जालीदार टोपी लगाए बैठे हैं, ये तो हिंदू है, अरे क्या आदमी है भाई डॉक्टर राम मनोहर। दिस इज टोटली अनफेयर विवेक जी, उन्होंने 3 मिनट बोला, अब उनको गिव में, उनको कम से कम फेयर। वो त्योहार में बैठे हैं ना, एक मुसलमान हिंदुओं के मंदिर में आएगा तो वैसी वेशभूषा करेगा? आप समाजवादी पार्टी में तो नहीं आए, वो तो रेस्पेक्ट है। आप देखिए, एक तीर लगता है, तड़पने लगते हो, तीर निशाने पे लग गया। अरे भैया, सुनते हैं, जवाब देते हैं, आप बुरा क्यों मानते हैं? ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही, देखिए राधा की चुनरी सलमा चुनती थी और सिलती थी, तो मैं ये पूछूंगा, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वहां पे राधा के साथ भी गलत हुआ और सलमा के साथ भी गलत हुआ? 2013 की बात है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, मोहम्मद हारून, 1800 परिवार जो सलमा के थे उनको 5 लाख रुपया दिया, लेकिन राधा के परिवार को कुछ नहीं दिया, ठेंगा। ये कौन सी पंथ निरपेक्षता है, पहले तो ये अखिलेश यादव से पूछ के बताइएगा। अगर मुलायम सिंह यादव जी ने कान खींच दिया होता तो ठीक हो गए होते। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी ये बार बार कह रहे हैं कि कांवड़िया जो जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भैया, लेकिन जैसे अपने धर्म के पालन करने का आपके पास हक है, उसी तरह से हिंदुओं के पास है। मैं आपको वजह बताता हूं, देखिए समझिए इस बात को, किसी को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग जल रह के पूरी कांवड़िया यात्रा करते हैं, वो ऐसे स्थान पर हो सकता है नहीं चाहते कि उस वक्त खाएं, जिनको नई समझ है कि किस तरह से व्रत रखा जाता है, मांसाहारी और शाकाहारी में क्या फर्क है, ये वही है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग आज कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे कहो जो हलाल का मीट है वो बंद करो और झटका बंद करो। क्यों नहीं करते आप बताइए मुझे, सारा मीट एक है, हलाल भी बंद करो झटका, ये क्या है? देखिए इसको सकारात्मक लीजिए, ये हर धर्म की जो आस्था है, जो उसका अपना, आप भी वो भी कह रहे हैं कि अमीश देवगन तुम पॉजिटिव सोचो, आप भी कह रहे हैं सकारात्मक। मैं कह रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर। हाँ, मेरे सवालों को भी लीजिए, आपके सवालों पे ही ये उत्तर है। आप देखिए बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप समझे? जी जी जी, धार्मिक आस्था किसी की भी है, सरदार भाई की भी है, मैं जानता हूं कि इनकी भावना को ठेस किस चीज से लगेगी। अगर कुछ समय हम उसका पालन करके सुनिश्चित करें कि इनकी भावना को ठेस ना लगे, तो इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम है? हिंदू मुस्लिम कहां है मैं आपको बताता हूं, हिंदू मुस्लिम यह है, शहदाब भाई सब कुछ अभी समझा रहे थे, नफरत। देखो इनकी दिक्कत कुछ और है, वो कह रहे कई जगह तो 4 हो रही है, इनकी 1 भी नहीं हो रही है, उनकी दिक्कत दूसरी है, और एक आपने इनको बड़ा छोटा भाई माना, तो दिक्कत दूर करिए इनकी आप। प्रभु श्री राम देंगे हम, प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होके हाथ जोड़ के कहूंगा मेरे भाई की एक शादी बहुत बढ़िया जल्दी कराए, और ये मुझे बुलाएंगे, मुझे ये भी यकीन है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए
नफरत फैलाना क्या होता है, और मुझे ये उम्मीद है जब मैं ये पढ़ूंगा तो शहजाद भाई आज माफी मांगेंगे। नफरत फैलाना ये होता है जब इन्हीं के शब्द हैं, हिंदुत्व के नशे में डूबकर सनातन संस्कृति को भूलकर भगवा चोला ओढ़े गुंडों की फौज मुसलमानों से नफरत में अंधी होकर। ये क्या होता है, भगवा चोला ओढ़े नफरत की आंधी? मतलब देखिए, हिंदुओं को आपने ऐसा कहा, और दूसरा इन्होंने कहा, ये आप देखिए एक फुटपाथ है उस पर कुछ बना हुआ, कह रहे शिवलिंग है ये, इसको भी सील करिए। अब मैं एक बात बोलूंगा, और बड़ा भाई होने के नाते एक सलाह दूंगा, जैसे इनके लिए कुरान पावन है, हमारे लिए शिवलिंग पावन है, और हिंदुस्तान की असली पहचान यह होगी कि कुरान पे आंच आए तो गौरव भाटिया खड़ा हो जाए, और शिवलिंग पे आंच आए तो शहजाद खड़ा हो जाए। अगर आप ऐसे ट्वीट करेंगे तो फिर जो है बात बड़ी बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बोली। चाहे तर्क कुछ भी कर लें, कुतर्क कर लें, चाहे बात को कूद कूद के कह लें या शालीनता से कह लें, अब आप अपना केवल अर्थ एक है कि हम मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात। क्या नफरत की बात कर रहे हैं? क्या नफरत की बात कर रहे हैं? ठीक है, बीच में ना बोलने की तय थी। हम कह रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए, जहां ईदगाहों में ईद के दिन नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं, उनके बाहर भी हिंदुओं की दुकानें होती हैं, और वो पूरे प्यार मोहब्बत के साथ उनसे सामान खरीदते हैं। जहां कांवड़िए जहां से कांवड़ लेकर चलते हैं 100 किलोमीटर तक, कम से कम 100 जगह मुसलमान उनकी सेवा पर हेमंत बिस्व शर्मा लगाते हैं। पर हेमंत पूछा गया, चाहते उन्होंने बोला किसी के लिए विषय है नहीं है, मेरे लिए तो जीवन सेकंड हुए जी 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 20 सेकंड तो होना होगा। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र आया तो मैं एक महापुरुष की बाइट सुनवा देता हूँ मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। गौरव भाटिया की बाइट आप सुना रहे हैं, देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पर गौरव भाटिया की ऐसा ही मिलता जुलता चेहरा, कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी साजिश करती है, किस तरह सौहार्द बिगड़े, किस तरह दंगे हो, किस तरह नफरत फैले, ये 2014-13 की बाइट है जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। ठीक है, ओके गौरव भाटिया, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, मैं दूंगा आपको। मेरी बाइट सुना रहे हैं, मेरी बाइट छोड़िए, पहले मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे अखिलेश यादव के लिए, वो सुनिए, वो बड़े नेता आपकी पार्टी के रहे हैं। उन्होंने सलाह दी थी, बाइट भी है चला सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा आपने हमें कहीं कहीं नहीं रखा अखिलेश जी, इतनी सुविधाएं, मैं दिल्ली में जाना चाहता था ताकत के साथ, आपने 5 लोकसभा दी, मैंने आदेश दिया था पार्टी का कि हार के कारण पार्लियामेंट क्यों हारे तो आप रिपोर्ट मुझे दीजिएगा, 1 साल बीत गया अखिलेश जी आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दी, ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। देखिए सुनिए, इसमें कुछ गलत है, फर्क क्या है मैं बताता हूँ, राजनीतिक सलाह समीक्षा कर रहे हैं, बोल रहे हैं देखना, थोड़ी देर में ईंट फेंकनी शुरू करेंगे, नहीं ईंट कोई नहीं फेंक रहा, नहीं लग रहा है, अच्छा देखिए इतनी बौखलाहट आ गई, मैंने 10 साल में देखा है ईंटें फेंकी इन्होंने, मोदी जी ने इकट्ठी करी और पुल बना दिया विकास का, ये फर्क है। सुनिए सुनिए, गिरे कौन है अब आपको बताइए। बच्चों मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, हिंदू मुस्लिम कौन करता है, यहाँ पे लिखा है मुस्लिम नौजवानों पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं आतंक के, और हम सब वापस लेंगे अगर सरकार आएगी, और प्रयास भी किया। आप मुझे बताइए एक आतंकी पर हाई कोर्ट ने वापस नहीं लेने दिया था, हाई कोर्ट नहीं रोका, ये तो चालू हो गए थे लेना, यही तो बताना चाह रहा हूं, यही तो बताना चाह रहा हूं, आतंकी आतंकी अगर मुसलमान है तो इनका बच्चा है पुचकारेंगे, और अगर हिंदू है शुरू है तो वो आतंकवादी बता देंगे, जैसे कि कांग्रेस ने बताया। जवाब दूं? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब आगे मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे तमाम लोग बने हुए हैं मेरे साथ, बार बार एक ही बात आ रही है कि आखिरकार हेमंत बिस्व शर्मा ने क्यों बोला। विवेक, हेमंत बिस्व शर्मा ने सिर्फ ये नहीं बोला, बोला हाँ कई लोगों के लिए ये कोई विषय नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जीवन और मृत्यु का विषय है ये, अब क्योंकि मेरा आसाम, उन्होंने जो बोला मेरा आसाम डेमोग्राफिकली बदल रहा है, और उस डेमोग्राफिक इंपैक्ट हमने देखा है बॉर्डर एरियाज के अंदर, और ये तो आपके नेता भी बंगाल में मानते हैं। आप सुनिए, आप अपने नेताओं को झुठला रहे हैं। देखिए डेमोग्राफी चेंज होगी, ये एक स्वाभाविक चीज है, क्यों स्वाभाविक बदलाव होता है, हर क्यों होगी डेमोग्राफिक चेंज, 5,000 साल से डेमोग्राफी कांस्टेंट रहेगी, इमिग्रेशन डेमोग्राफी चेंज होगी, हमारे लोग कनाडा जाके सेटल होंगे, जो यहां पर जो मूल निवासी है, जो यहाँ के मूल निवासी है वो माइनॉरिटी में हो जाए और बाहर से आए हुए इमिग्रेंट मेजोरिटी में हो जाए, ये होता रहेगा, कैसे मान सकते हैं भाई? ये फ्रांस में हुआ, ये फ्रांस में हुआ, एक सेकंड एक सेकंड, ये फ्रांस में हुआ, फ्रांस के क्या हाल है, ये लंदन में हुआ, लंदन के क्या हाल है, ये जर्मनी में हुआ, जर्मनी के क्या हाल है, एक मिनट, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान तो बांग्लादेशी आ गए,
अब सोचिए कि कितनी अच्छी बात बोली भाई राजकुमार भाटी के लिए तालियां। ये यहाँ के मूल निवासी है, मैं मानता हूँ राजकुमार भाटी यहाँ के मूल निवासी है। कोई हिंदुस्तानी भी आ रहा है तो इनको लग रहा है कि हम पहले यहाँ पर होते थे। सोचिए उस प्रदेश का हाल जहाँ के मूल निवासी को लौट थे, लेकिन आपसे बेहतर दर्द को कौन समझेगा? आपने खुद गवाही दी, आपने खुद गवाही दी अभी उनकी दर्द की। विवेक को समझाइए, विवेक विवेक जी एक सेकंड, ना ना रुकना पड़ेगा। आपने विवेक भाई, आप राजकुमार भाटी का आपने दर्द समझा, अब आपको समझ रहा है अभी राजकुमार भाटी दर्द समझा आपने, और इसका मतलब जो हिमंता बिस्वा सरमा का दर्द है वो भी तो यही है। उनका दर्द सिर्फ ये है कि भाई अगर ये हिंदू मुसलमान एक हो गए और मैं इनको नहीं बांट पाया तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, ये उनका दर्द। मैं बताता हूँ, इमिग्रेशन यंग बच्चों सुनो, इमिग्रेशन इज द वे ऑफ लाइफ। हमारे हिंदुस्तानी भाई कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, गुरुद्वारे सुनिए, बोलने दीजिए मुझे सर 10 सेकंड, बोलने जाते हैं ना स्टूडेंट, छुप के थोड़ी जा रहे हैं, बोलने तो दीजिए ना सर, जाते हैं। कल कनाडा के अंदर गुरुद्वारे बने हैं 200 साल के बाद। ऐसे लोग अगर कहेंगे कि ये कहां से आए थे, कौन सा इंडिया, कौन सा गुरुद्वारा, दिस इज नॉट अ रिलीजन, डेमोग्राफी इज चेंजिंग, नॉट अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, सेंड देम बैक, क्या कहोगे आप? इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये घुसपैठी है कौन सी इमिग्रेशन सिस्टम से आ रहे हैं। एक सेकंड मैं बताऊं, देखिए ओके, इसमें नहीं करना चाहिए। 2006 का सर्बानंदा सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ें। ये 3 करोड़ घुसपैठी है जो आए भारत में, कांग्रेस के समय में आए, लिखा है। और आपको मालूम है खतरा क्या है? मैं बताता हूं, पहला आपकी संस्कृति को नष्ट करते हैं, दूसरा उन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं है। अब बीच में ना बोले, बीच में बहुत महत्वपूर्ण जिस प्रकार से हमारा कल्चर वहां जा रहा है, दूसरों का कल्चर यहाँ आएगा, ये स्वाभाविक बात है। मैं आता हूं आपके पास सर, बिना चिल्लाए जो तथ्य रखने जा रहा हूं, अगर मुंह बंद करें और दिमाग खोलेंगे तो सुनेंगे और अच्छा लगेगा। आपको मालूम है जब रोहिंग्या आए मुंबई में, अमर जवान ज्योति है, हमारे, हमारे हमारे सैनिकों का प्रतीक है, उनके शौर्य का लात मारी रोहिंग्या ने और अमर जवान ज्योति को बुझाने का काम किया। एक भारतीय चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, वो नहीं बुझाएगा, रोहिंग्या करेगा। घुसपैठिए इसलिए खतरा है। तीसरी बड़ी बात जो कही सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी नौकरी हमारे बच्चों के लिए है, हमारे संसाधन हमारे बच्चों के लिए है। रोहिंग्या बाहर से आएगा, घुसपैठिया आएगा, तो वो किसकी नौकरी खाएगा? तो हमारे भारतीयों की खाएगा। और घर से शूट इंडिया को अमेरिका कनाडा यूरोप की नौकरियां, हमारे इंडियंस वापस आ जाएं। अभी आपसे मैं बात ही करना बंद कर दूंगा, आप चिल्लाते रहिए, कोई बात आप छोड़ दीजिए। मैं अंत में एक बात कहूंगा, ये सच्चाई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो हमारी सारी सरहदें थी उनको ऐसा कर दिया, कोई घुस नहीं सकता। और पहली बार अगर जो घुसपैठिए वो वापस गए हैं तो मोदी जी की सरकार में गए, ये बदला है, ये बदला है। ऑडियंस को लेना है, लेकिन मैं बार बार, क्योंकि विवेक जी एक बात को कह रहे थे कि कनाडा में हमारे बच्चे जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, या यूके में जाते हैं, या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जाते हैं, वो जो हमारे बच्चे जाते हैं यहां से, वो घुसपैठिए बन के नहीं जाते सर, वो घुसपैठिए बन के नहीं जाते, वो चोरी छिपे नहीं जाते, वो वहां पर वो वहां की डेमोग्राफी को बदलने के लिए नहीं जाते, वो रोजगार के लिए जाते हैं, वो जाके वहां सीईओ बनते हैं। पेप्सी की सीईओ कौन थी, गूगल का सीईओ कौन है, एप्पल का हेड कौन है, ये बात ध्यान में रख लीजिए, IMF का हेड कौन है वो ध्यान में रख लीजिए। हमारे लोगों को बुलाकर लेके जाया जाता है, हमारे देश का युवा इतना समर्थ है, इतना एजुकेटेड है कि उसको विदेशी बुलाना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या को आप बुलाना नहीं चाहते, वो यहां घुस जाता है, उसे घुसपैठिया कहते हैं। इसलिए हमारे लोग घुसपैठिए नहीं है, ना कैमरे के उस पार, ना मेरी स्क्रीन के इस पार, ये लोग मेहनती है। जब यूरोप का नौजवान दोपहर को बैठकर क्या कर रहा होता है, और हमारा नौजवान वहां पर बैठ कर काम कर रहा होता है, वो उसकी देन है। इसलिए अपनी वर्क फोर्स की आपको अप्रिशिएट करिए, उनको कंपेयर करके आपने रोहिंग्या उसके साथ और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ आपने उनका अनादर किया है, डिसरिस्पेक्ट करिए।
मैं इस बात को बड़ी सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं, भारत का युवा और बांग्लादेशी घुसपैठियां एक बराबर नहीं है। कृपया करके देश की पॉलिटिकल पार्टियां और खास तौर पर कुछ दल उसको बिल्कुल कंपेयर ना करें, इट इज अनफेयर टू देम। ओके, सवाल सवाल सवाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड मैडम, कुछ कहना चाहती, फिर सर आपको देता हूं। डू यू नॉट थिंक इट्स द जॉब ऑफ द नेशन टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द कम्युनिटी? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन, कि देश का काम है, नेशन का काम है अच्छी जॉब सिक्योरिटी हो, देश के अंदर जॉब ज्यादा से ज्यादा नौकरियां क्रिएट हो। गौरव भाटिया, नौकरी की बात करिए, घुसपैठियों की बात क्यों? एक मिनट, नहीं नहीं, ये दोनों चीजें फर्क है। मेरी बहन ने जो बात कही, बिल्कुल सरकार का काम है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, कि नौकरियां हम लोग बनाएं और नौकरी हमारे युवाओं को मिले, सरकारी और प्राइवेट। और सच्चाई ये है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से 17 करोड़ नौकरियां, ईपीएफओ डेटा ये कहता है, सबसे ज्यादा वेरिफाइबल है, कि पिछले 10 साल में 17 करोड़ नई नौकरियां बनी। दूसरा, हमने ये सुनिश्चित किया कि 45 करोड़ जो नौजवान है, महिला है, उनको लोन मिले जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो। लेकिन अगर घुसपैठिए आते रहेंगे और 3 करोड़ आएंगे, 4 करोड़ आएंगे, तो वो 4 करोड़ नौकरियां किसकी खाएंगे? वो हमारे लोगों की खाएंगे। इसलिए घुसपैठ भी रोकी और नौकरियां का भी सृजन किया। ये है नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी जिसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं जी। और मैं बताना चाहता हूं, देखिए ममता बनर्जी अब क्या कह रही हैं वो हम सबके सामने है, लेकिन 2005 में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था ये घुसपैठिए हमारे लिए चुनौती, खतरा है, खतरा हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए आपदा है। ये एग्जैक्ट वर्ड पार्लियामेंट में 2005 में ममता बनर्जी ने यूज करा था, और जब स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी थी वो गुस्से में आ गई थी, उन्होंने स्पीकर के ऊपर पेपर डाल के फेंके थे। और सोमनाथ चटर्जी तब स्पीकर होते थे, आपको विवेक भाई याद होगा जी जी। और ये सबसे बड़ी बात है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर जब डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो क्या सब सोए हुए थे? पहली बात। दूसरी बात कि धार्मिक अनुष्ठान है कावड़ ले जाना, उसके अंदर धर्म के अनुसार चलने के लिए आप लोग, अगर योगी जी ने नाम लिखने को कह दिया तो नाम छुपाने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल यह है कि नाम छुपाने में दिक्कत क्या है? अगर वहीं आरक्षण की बात आ जाए, अगर बोले कि आप दुकान लगाइए आपको सब्सिडी मिलेगी, नाम दिखाइए, तो लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अगर वहां पे सामने दुकान पे बोर्ड लगा के बोल रहा है तो दिक्कत क्या है? और कहां सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला गया ना, कहां बोला गया कि नहीं वहां से नहीं खरीदना है? कोई बोला है ऐसा कि वहां अगर मुस्लिम का है या दूसरे किसी का है तो नहीं खरीदना? छोटा सवाल, छोटा। हाँ जी, आपने बोला कि मतलब नाम छुपाने वाला, तो नाम है तो वो मेरी पहचान है, उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? प्राइड होना चाहिए आपको आपके नाम पे, आप जो भी हैं जैसे भी हैं। लेकिन सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि अभी बीच में इतनी वीडियोज वायरल हुई थी, हमारे गौ माता जिन्हें हमें पूछते हैं उनका सर काट के लटका देना, सब कुछ करना, और आप सोच रहे हैं कि हमारे कांवर यात्रा पे हम उनके हाथ का खाएंगे? क्यों आप लोग विश्वास कर सकते हैं? भारत में आज भी गोहत्या करना कुछ जगहों पर अपराध नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह गैर कानूनी, अगर जो कोई करता है उसको सजा मिलती है, और जो मुसलमान मांसाहारी है वो गो मांस को खाना पसंद ही नहीं करता है। यह आपको भ्रांति फैलाई गई है। गौरव भाटिया, प्रियंका गांधी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ का की सरकार का जो फैसला है ये बहुत गलत है और ये डिस्क्रिमिनेशन है, और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह फैसला तो वापस लेना ही चाहिए, जिन अधिकारियों ने भी यह निर्णय लिया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि ये कानून वापस लिया जाए। गांधी परिवार डायरेक्ट कूद गया इस पूरे मामले में। गांधी परिवार कूदने के अलावा काम ही क्या करता है? हिंदू आतंकवाद कह देता है, इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी वो बंटी बबली हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं संविधान में क्या लिखा है। बड़ी जिम्मेदारी, क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसा फैसला लिया ऐसे अधिकारियों पे? सुनिए मेरी, क्या वापस लेंगे आप दबाव में? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने कई फैसले वापस लिए हैं। मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपका यूपी में जब मैं आ रहा था तो पहले तो वो फैसला एक अधिकारी ने लिया था, अब तो सरकार ने लिया है। लेकिन एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन फाइटिंग चल रही है जैसा ऑपोजिशन कह रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खेल खेला गया है? अमीर जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपके इस प्रश्न का उत्तर दे के वो बात कहना चाहूंगा, हमारे बीच में नहीं है कोई झगड़ा, आज भी अखिलेश से बहुत ज्यादा है योगी आदित्यनाथ जी तगड़ा, याद रखिए, समझ लीजिए। आप सुनिए, आपने विराम लगा दिया, अरे आपने सारी बातों पे विराम लगा दिया, योगी ही उत्तर प्रदेश में उपयोगी है आप कह रहे हैं।
ओके 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 ना करिए, एक बात भाटिया साहब, भाटिया साहब मुझे कहने दीजिए, भाटी 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 जी, भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए इनकी जरूरी है, देखिए इन्होंने इन्होंने 2017 में बड़ा कुछ झेला है जी। नहीं, इन्होंने इन्होंने एक तुकबंदी बोल दी और आपने ताली बजा दी, लेकिन कितना तगड़ा मैं बता देता हूँ। नी योगी जी मुख्यमंत्री है भैया, आधा कौन है? अखिलेश यादव। अब ये कितना तगड़ा है, अब राजकुमार बात करेंगे, राजकुमार भाटी योगी जी, सारी पुलिस, सारा प्रशासन, पूरा मंत्रिमंडल, पूरे यूपी के गुंडे बदमाश, सारे पूंजीपति लगा के 33 सीट जीत गए, अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए, अकेले दम। योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिनको 2017 में मुख्यमंत्री जनता ने बनाया और काम किया, निष्ठावान है, प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, 2022 में पुनः मुख्यमंत्री जनता ने बनाया, किसी विरासत की गद्दी को नहीं उन्होंने संभाला। और सुनिए, योगी जी का जब बुलडोजर चलता है ना, तो जितने अपराधी है थर थर कांपते हैं, ये गले लगाते थे मुख्तार अंसारी को, नेस्त नाबूद कर दिया योगी आदित्यनाथ। फिरोज भक्त अहमद, क्या आपको लगता नहीं है कि नौकरी की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अगर डिवाइसिव एजेंडे की बात होगी तो काम कैसे चलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं, ये सारी बातें होनी चाहिए। और साथ ही साथ में देखिए, कांवड़ यात्रा पे प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस बच्ची ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था, उसने कहा था कांवड़ भी, हम सब अपने सात्विक तरीके से चलते हैं, मुसलमान भी हिंदू भी, वो ऐसे हाथों से चीज़ नहीं लेना चाहते जिन्होंने मांस पकाया हो, कुछ किया हो। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए मैं गाय के दूध पर पला हूँ, मेरी माँ के दूध कम उतरता था, मैं गाय के दूध तो पीता था, उससे बड़ा हुआ हूँ, गाय मेरी माता की तरह है। और दारुल उलूम देवबंद हर साल बकरीद से पहले फतवा निकालता है कि गाय का वध ना करो, गाय हिंदुओं की प्यारी है, माता है। और बहादुर शाह जफर ने भी ये फतवा निकाला था कि गाय का वध मत करो, ये हिंदू भाइयों के लिए हमेशा से हमारी जो विरासत है, साझा विरासत है ये। और भाटी साहब और आपके लिए एक शेर, और साथ में आपके लिए अमीश, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, भाटी साहब खासतौर से कोई मुश्किल नहीं है, के साथ काहे मिला देते हैं बार बार, कोई बात नहीं, अरे सुन तो लो, बोलने दो ना, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना बच्चों, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना, हम सब इंसान हैं, हम चारों जो है वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, हम अलग अलग नहीं बैठे, अंदाजे बयां अलग है कहने का, हम सब इंसान हैं, हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन, हम सब एक साथ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देश है हमारा, मैं फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ी तादाद में आप सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।